कृषि मंत्री कमल पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को भगवान भोलेनाथ की शपथ दिलवाई। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ता ये शपथ ले कि वो आने वाले चुनावों के लिए अपने बूथ को मजबूत करेंगे और शासन की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को भगवान गुप्तेश्वर महादेव की शपथ दिलाई। कृषि मंत्री ने कहा कि सभी कार्यकर्ता ये शपथ लें कि वो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक अपने अपने बूथ को मजबूत करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव हो जाने तक संकल्प के साथ डटे रहेंगे। कृषि मंत्री ने कहा कि आप सभी को एक एक घर जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं और कामों को लेकर जनता को बताना है। पोलिंग बूथ तक मतदाता को ले जाकर कमल का फूल खिलाना है। योजनाओं को एक एक को समझाऊंगा, इनका लाभ पात्र हितग्राही को दिलवाऊंगा और उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ूंगा। चुनाव के दिन सुबह जल्दी उठकर एक एक मतदाता के पास छोड़े जाएंगे। कमल के फूल की पतंग बताना भारतीय जनता पार्टी के दिखाने का निवेदन करूंगा और एक एक मतदाता को पोलिंग बूथ पर ले जाऊंगा। कमल के फूल की पतंग लगवाकर भाजपा को जिताकर देश का विकास करूंगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।